परमेश्वर के नाम की महिमा होनी पाए। हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं के साथ मसीह का अभिवादन बांटती हूँ। पहला राजाओं की पुस्तक के 8वें अध्याय का 27वां वचन इस प्रकार कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? इस अनुग्रहित वचन में से महिमावान परमेश्वर इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। परमेश्वर की महिमा को समझकर भक्त यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर को कहीं भी समा पाना संभव नहीं है। हमारे शब्दों से वर्णन करने में या हमारे धन से बनाए गए आराधनालयों में परमेश्वर को समा लेना संभव नहीं है। परमेश्वर इतना महान, सर्वोच्च और महिमावान है। परमेश्वर की महिमा को मनुष्य नाप नहीं सकता और ना ही उसकी गिनती कर सकता है। परमेश्वर की कोई सीमा या कोई अंत नहीं है। परमेश्वर को मनुष्य की बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं है। परमेश्वर की महिमा को पूरी तरह समझ पाना मनुष्य के लिए कभी भी संभव नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 23 के 24वें वाक्य में परमेश्वर स्वयं भविष्यवक्ता के द्वारा यह कह रहे हैं, फिर यहोवा की यह वाली है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? प्रियजनों, परमेश्वर हमें हमारी मुसीबतों में और प्रतिकूल अवस्थाओं में से होकर इसलिए गुजारता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा और तेज का एक छोटा अंश मात्र ही कम से कम देख सकें। इतना महान परमेश्वर जो भूमि, आकाश, स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग में भी समाया नहीं जा सकता, जब हमारे बारे में सोचता है तो यह हमारे जीवन में कितने बड़े भाग्य की बात है। एक बार और स्पष्ट रूप से कहें तो सबसे बड़ा परमेश्वर सबसे छोटे हम लोगों को याद करता है, ये सोच हमारे जीवन में हमेशा रहने पाए। हमारा जीवन कितना क्षण भर का है यह वचन हमें सिखाता है। हम एक सांस अंदर लेते हैं लेकिन अगर उसे बाहर नहीं छोड़ पाए तो वही जीवन का अंत हो जाता है। वचन सिखाता है कि हमारा जीवन सूखने वाली घास और मुरझाने वाले फूलों के समान है। कुछ विशेष समयों में हम अपने आप को ताकतवर और स्वस्थ मान सकते हैं, लेकिन एक छोटे वायरस के आगे हमारा जीवन हार जाता है और कांपने लगता है। ये अवस्थाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने आप को ताकतवर तो मानते हैं लेकिन हम में ताकत नहीं है, हम बलहीन हैं। हम बलहीन लोगों में ताकत और धैर्य देकर विश्वास को बढ़ाने वाली बात है कि इतना महान परमेश्वर ऊंचाई में से झुककर हमें देखता है। तो परमेश्वर हमें धूल के समान देखते हैं, ऐसा सोचकर परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, हमें थामते हैं, मार्ग में हमें लेकर चलते हैं। इसलिए हम जो आज हैं और जो कुछ भी हमारा है, सबका कारण परमेश्वर है, यह सब हम भली भांति जानते हैं। प्रियजनों, एक और बात आप लोगों के साथ आज सुबह मुझे बांटने दीजिए। इतना महान परमेश्वर जब हमारे बारे में सोचता है तो हमारी सोच, हमारे काम और हमारे शब्दों से हम परमेश्वर को एक सीमा में लाकर रख देते हैं। परमेश्वर की योग्यताओं की और संभावनाओं की हम कभी भी कोई सीमा तय ना करें, उसे परमेश्वर के लिए छोड़ दें। जंगल की यात्रा में इसराइलियों ने जिस प्रकार परमेश्वर के साथ किया, वैसे हम लोग परमेश्वर को अपने शब्दों से परखने वाले ना बने। भजन संहिता 78 का 41वां वाक्य हमें बताता है कि उन्होंने पवित्र परमेश्वर को खेदित
अर्थात दुखी किया। उन्होंने बार बार परमेश्वर को परखा। परमेश्वर ने उनके लिए अनेकों चमत्कार किए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रेम, ज्ञान और सामर्थ्य को भुला दिया। जीवन के अप्रत्याशित अवस्थाओं में इजरायली लोगों ने परमेश्वर पर संदेह किया, परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति अनादर और अविश्वास उनके द्वारा दिखाई पड़ा। आज सुबह हम ये समझ पाएं कि इतना महान परमेश्वर, जो कहीं भी समा नहीं सकता, हम में वास करता है। वचन हमें सिखाता है कि महिमा की आशा, यीशु मसीह हम में वास करता है। इसलिए इस अनुग्रहित दिन में परमेश्वर की महिमा के आगे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। जीवन में परमेश्वर की महिमा का एक अंश मात्र ही सही अनुभव करने की कृपा हमें देने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।